साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों अगर आपके गन्ने की पत्तियां भी कुछ इस प्रकार से मुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं तो आज आपकी इस समस्या का 100% समाधान होने वाला है। ये तो आप अच्छी प्रकार से जानते हो कि ये गन्ने की पत्तियां अधिक टेम्परेचर के कारण मुड़ी हुई और सूखी दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि गन्ने की पत्तियां मुड़ने से और सूखने से गन्ने के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से आप फिर से अपने गन्ने की फसल को हरा भरा बना सकते हो। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। अन्यथा किसान भाइयों, आपको कुछ मेरे यूट्यूबर भाई अपना गन्ना वर्धन ही बेचते रहेंगे और आपको जानकारी देने के नाम पर ठगते रहेंगे। जब तक आपको सही जानकारी नहीं होगी, जब तक आप अपने गन्ने की फसल में चाहे कोई से भी वर्धन की स्प्रे कर लो, फिर भी आपके गन्ने में ये समस्या बरकरार बनी रहेगी। तो साथियों पहले आपको ये समझना होगा कि गन्ने की पत्तियां मुड़ने से और सूखने से क्या नुकसान देखने को मिलते हैं। ये तो आप सभी भली प्रकार से जानते हो कि अधिक टेम्परेचर में ही गन्ने की पत्तियां पहले मुड़ती हैं, उसके बाद कुछ पत्तियां सूख जाती हैं, जिसके कारण फसल में दो प्रकार से नुकसान देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारी मिट्टी में जितने भी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं उनको पौधा उठा नहीं पाता, जिस कारण गन्ने की ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा होता इसलिए है कि अधिक टेम्परेचर होने के कारण पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती, जिस कारण से ही पत्तियां मुड़ जाती हैं और कुछ पत्तियां सूख भी जाती हैं। और ये बात तो आप सभी भली प्रकार से जानते हो कि किसी भी फसल की जब तक पत्तियां हरी भरी और स्वस्थ नहीं होंगी तब तक वो फसल ग्रोथ नहीं करेगी। तो किसान भाइयों अब आता हूँ आज के मेन पॉइंट पर कि क्यों गन्ने की पत्तियां अधिक टेम्परेचर में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना बंद कर देती हैं। तो भाइयों ऐसा इसलिए होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, सभी प्रकार के पौधे की पत्तियों में स्टोमेटा होता है, जिसका कार्य ये होता है कि खुलना और बंद होना। जब ये खुलता और बंद होता है तो किसान दोस्तों पत्तियां सही प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाती हैं, और जब पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं उस समय पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालती हैं, साथ में कुछ पानी की मात्रा भी पत्तियां बाहर निकालती हैं। और जब पौधे की पत्तियां पानी को बाहर निकालती हैं तो किसान दोस्तों उस पानी को पौधा मिट्टी से खींचता है, और उसी पानी के साथ जो भी हमारी मिट्टी में पोषक तत्व पहले से मौजूद हैं उनको भी लेता है। लेकिन किसान भाइयों जब अधिक टेम्परेचर होता है, गर्म हवाएं चलती हैं, उस समय पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिस कारण से पौधे की पत्तियां मुड़ने और सूखने लग जाती हैं। क्योंकि स्टोमेटा बंद होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है, जिस कारण से पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से पोषक तत्वों को उठाना बंद कर देते हैं, जिससे हमारी फसल पीली और कमज़ोर दिखाई देने लगती है। जब तक पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं वो अच्छी प्रकार से अपना कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम अपने गन्ने की फसल में किसी भी खाद का प्रयोग कर लें, हमारे गन्ने की फसल ग्रोथ करके नहीं चलेगी। तो किसान भाइयों अब मेन बात ये निकल के आती है कि ऐसा क्या करें जिससे हमारे गन्ने की पत्तियों में जो स्टोमेटा हैं वो अपना सही प्रकार से कार्य करें, जिससे हमारे गन्ने की फसल फिर से हरी भरी हो सके और जिस भी खाद का हम अपने गन्ने की फसल में प्रयोग करें उसको पूरी प्रकार से पौधे ले सकें।
तो किसान भाइयों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि गन्ने की फसल में अधिक टेम्परेचर में सबसे आवश्यक जो खाद होता है वो पोटेशियम खाद होती है, जिसको सभी किसान भाई पोटाश के नाम से जानते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि इस समय जो हमको पोटाश देनी है वो मिट्टी में नहीं देकर हमको उसकी अपनी खड़ी फसल में स्प्रे करनी है। अगर आप अपनी खड़ी फसल में पोटाश का प्रयोग मिट्टी में करते हो तो किसान भाइयों, उससे आपके गन्ने की पत्तियों के स्टोमेटा नहीं खुलेंगे, उसके लिए आपको अपनी फसल में स्प्रे ही करनी होगी। स्प्रे में आप 0050 का प्रयोग करें। बात करें एक एकड़ में आपको एनपीके 0050 की कितनी मात्रा लेनी है, तो किसान भाइयों, आप 1 किलो से 1.5 किलो ले सकते हो। लेकिन आप एनपीके 0050 किसी अच्छी कंपनी की लें, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों की एनपीके पूरी प्रकार से पानी में घुल नहीं पाती। अगर आप किसी अच्छी कंपनी की एनपीके लेते हो तो किसान भाइयों, वो पानी में पूरी प्रकार से घुल जाती है। और इसके साथ अगर आप चाहो तो किसी अच्छी कंपनी का ग्रोथ प्रमोटर भी मिला सकते हो। और किसान भाइयों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्प्रे करते समय आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। किसान भाइयों, आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, जब तक आप अपने गन्ने की फसल में एनपीके 0050 की स्प्रे नहीं कर लेते, तब तक आप अपने गन्ने की फसल में किसी भी प्रकार के खादों का प्रयोग नहीं करें, अन्यथा किसान भाइयों, वो खाद आपका व्यर्थ ही जाएगा। और किसान दोस्तों, अधिक लाभ पाने के लिए आप अपने गन्ने की फसल में 0050 की 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 स्प्रे अवश्य करें। अगर आप ऐसा करते हो तो किसान दोस्तों, आपके गन्ने की फसल काफ़ी हरी भरी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अभी तक जिन किसान भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।